हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है देवीसा ज्योति ब्लॉग में। और आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद। और ये देखिए, हमारा सुबह का काम शुरू हो गया है, साफ़ सफाई का काम, जो कि झाड़ू लग गया है, पोछा लग रहा। उसके बाद हम नहाएंगे, उसके बाद झाड़ू पोछा होने के बाद नहा करके नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद फिर लंच की तैयारी होगी। डेली का यही काम होता है, ये तो हर घर में ही काम होता है। तो देखिए, हमारा पोंछा लग गया है सभी जगह, ये लास्ट वाले कमरे में हम लगा रहे हैं। उसके बाद चलिए हम बाहर भी सफाई कर लेंगे अच्छे से। बाहर भी हम धुल देते हैं थोड़ा फर्श को, पीछे के साइड जो है नल है, यहाँ पे नल है हमारा, तो हम धो देते हैं तो थोड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है। देखिए, धो करके वाइपर से इस तरीके से पोंछ लीजिए ना, तो बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है और सूख भी जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। तो देखिए, हमारा सभी काम निपट गया है, सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन होता है सभी हो गया है। चलिए, नहा करके नाश्ता पानी भी हो गया। उसके बाद देखिए, हम सब अचार जो डाले थे ना, हरी मिर्च का अचार आपको दिखाए थे, तो दूसरा अचार था और ये हम दूसरे डाले हैं। तो इसमें हम अमचूर पाउडर नहीं डाले हैं, मसाला तो वही डाले हैं जो उसमें डाले थे, वही मसाला इसमें डाले थे, लेकिन उसमें अमचूर पाउडर डाले थे। इसमें हम ये जो नींबू का अचार होता है ना, उसको हम डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़े कर कर, क्योंकि नींबू ना गल चुकी है, मतलब नमक के पानी में रखे हुए 1-2 महीना हो गया था, तो ये अच्छे से गल गया है। तो इसको हम मिर्च के अचार में डाल देंगे, तो ये मिर्च के अचार बहुत जल्दी खाने के लिए तैयार हो जाएगी। और ये जो नींबू का पानी बचा हुआ था, नमक और नींबू का पानी, उसमें हम ये अदरक डाल देंगे। 1 किलो हमारा ये अदरक है छील करके, और छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे से सुखा लिए थे, धूप दिखा लिए थे, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे रात भर के लिए। उसके बाद इसमें से निकालेंगे तो ये अच्छा खट्टा हो जाएगा अदरक के अचार। उसके बाद फिर इसमें हम मसाले डालेंगे, जो अचार का मसाला होता है वही डालेंगे इसमें भी, अदरक के अचार में। और आपने देखे होंगे, हम पिछले वीडियो में लहसुन के अचार डाले थे, तो उसी तरह से ये अदरक के अचार भी डालेंगे। और ये देखिए, हमारा मिर्च के अचार भी इस तरीके से काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में इसमें मिला देंगे, तो अच्छा हो जाएगा अचार, खाने लायक, जल्दी गल जाएगा और तीखापन भी कम हो जाएगा। ये छोटी वाली हरी मिर्च है, तीखा वाला। और इस तरीके से आप डाल करके पूरे साल तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है और बढ़िया हो जाता है अचार। तो इसको हम भगोने में 1-2 दिन के लिए रख देंगे, उसके बाद फिर हम डब्बा में इसको रख देंगे धूप दिखाने के बाद। और ये देखिए, इस तरीके से इसमें मसाले हमने पहले ही डाल दिए थे, और आज तो धूप निकला हुआ था, तो इस वजह से धूप में सभी अचार को रखेंगे। ये देखिए, हमारा घर का नींबू का जो अचार है ना, तो हम 2 डब्बे में डाले थे, और नमक डाले थे इसमें, सिर्फ नमक डला हुआ था, धो करके नींबू और नमक हम डाल दिए थे, और थोड़ा काला नमक डाल दिए, इस वजह से वो पानी थोड़ा हरा दिख रहा है। और ये देखिए, यहाँ पे मूली के अचार मम्मी डालेंगी, तो इसमें देखिए ये राई के पाउडर है, जैसे कि राई हमने पीसे थे उसको हम डाल दिए हैं, थोड़ा सा मम्मी डाल रही हैं, हल्दी डालेंगी, और इसमें हरी मिर्च काट रखी है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगी, और नमक स्वाद के अनुसार। और इस तरीके से मूली के अचार इस तरीके से मम्मी डालती हैं, कम मसाले वाला, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डाला जाता है, और बस ये अगले दिन से खाने के लिए रेडी हो जाएगा। ये इसको हम क्या किए थे कि 24 घंटे के लिए नमक के पानी में रख के, और इसको धूप दिखा लिए हैं, 1 दिन का पूरा धूप दिखा दिए थे। उसके बाद इसमें मसाले डाल रहे हैं, देखिए तेल भी बिल्कुल हल्का डालना है, ज़्यादा नहीं, मसाला भी हल्का और तेल भी हल्का। इसमें ज़्यादातर मम्मी सिर्फ राई डालती हैं, और हल्दी, नमक, मिर्च और हरी मिर्च डालती हैं। हमारे पति देव को ये अचार बहुत पसंद है, उनको ये हरी मिर्च बहुत अच्छा लगता है, रोटी के साथ या चावल के साथ भी खा लेते हैं, दाल चावल के साथ। और ये देखिए, थोड़ा मसाला और डाल दे रही हैं मम्मी, बस ज़्यादा मसाला नहीं डालना है इसमें, बिल्कुल हल्का डालना है। और इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। देखिए, ये शाम के टाइम है हमारा, इधर चाय बन रहा है, मम्मी अचार डाल रही हैं, मैं चाय बना रही हूँ इधर, और दूध भी उबलने के लिए रख दी हूँ इधर। देखिए, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाली है, और इसमें हरी मिर्च भी डला हुआ है। इस तरीके से मम्मी अचार डालती हैं, पर टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, कम मसालेदार।
मतलब ज़्यादा मसाला नहीं डालते हैं मूली में। आप भी इस तरीके से डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा अचार। और फिर बाद में ये खट्टा हो जाता है अचार ना, 2-3 दिन के बाद ना खट्टा लगना शुरू हो जाता है अचार राई की वजह से, क्योंकि इसमें राई ज़्यादा डाला जाता है, मतलब थोड़ा राई ज़्यादा रहता है। ये देखिए हमारा चाय बन के तैयार हो गया, शक्कर वाली चाय, जो गुड़ के शक्कर होता है ना वो वाली चाय हम बनाते हैं आजकल। शक्कर वाली चाय अच्छी लगती है, देखिए गुड़ का शक्कर है जो हमारे बाज़ार में मिल जाता है, सभी जगह मिल जाता है। तो ये देखिए अच्छे से हमने चाय को खौला लिया था, उसके बाद लास्ट में हमने शक्कर को डाल करके अब हम बंद कर दिए हैं, छान लेंगे। और हम अदरक डालना इसमें भूल गए थे। और चलिए शाम के टाइम हो रहा है, अभी 6 बज गए हैं, तो मैं भी थोड़ी सी चाय पीऊँगी, ज़्यादा नहीं। ठंड में थोड़ा मन करता है पीने के लिए चाय, वरना वैसे तो मैं पीती नहीं हूँ, तो थोड़ा सा चाय और रस तो वो खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी। तो आप सब भी पी लीजिए चाय, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। और शाम के देखिए तैयारी होगी। तो आज हम मसूर के दाल जो छिलक वाले होते हैं उसमें पालक डाल करके बनाएंगे इस तरीके से। देखिए इसमें हमने मसूर को धो लिया है, हरी मिर्च एक डाला, थोड़ा सा हल्दी डाला है, और हमारे क्यारी का ये पालक कटा हुआ है उसको हम बारीक बारीक धो करके अच्छे से काट लिए हैं, उसको डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। और फिर उसको 2 से 3 सीटी लगा लेंगे, उसके बाद हमारा दाल तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम फिर तड़का लगाएंगे इसमें, दाल जब अच्छे से पक जाएगा उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। और इस तरीके से दाल बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। चाहे लाल मसूर में भी आप बना सकती हैं, लेकिन हम काली मसूर में बना रहे हैं आज। और देखिए ये हमारा तड़का तैयार हो गया है, इधर लहसुन अदरक और प्याज का तड़का हम लगाए हैं, हरी मिर्च एक और डाले हैं। ये देखिए दाल हमारा बनके तैयार।